विभिन्न प्रकार के पुरुष मिले, जिसमें एक बाल विवाह भी है। किसी समस्याओं की जब हम चर्चा करते हैं उसमें शिक्षा का अभाव प्रमुख रूप से आता है। बाल विवाह का अभिप्राय हम सभी जानते हैं, जब बच्चे छोटे हैं उसी दौरान उनका विवाह करा दिया जाता है। शारीरिक संरचना भी उस काबिल नहीं होती जो विवाह के उपरांत जरूरी होता है। कम उम्र में शादी के कारण जब बेटियां माताएं बनती हैं, ऐसी स्थिति में उन्हें विभिन्न प्रकार के संकटों से गुजरना पड़ता है। कई बार तो बच्चों को जन्म देते वक्त ही उनकी जान चली जाती है। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण होता है। अशिक्षा के कारण समाज में बाल विवाह या इसी तरह की विविध प्रकार की कुप्रथाएं कुरीतियां चल रही, जिसकी वजह से समाज की जो विकासशील गति उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बाल विवाह की शुरुआत अमूमन मुगल काल में हुई, जब बेटियां खुद को असुरक्षित महसूस करती थी, या हम कह सकते हैं कि बेटियों के माता पिता चिंतित होते हैं, मेरी बेटी सयानी हो रही है, आगे चलकर यह सुरक्षित रहेगी या नहीं। ऐसी स्थिति में वह अपनी बेटियों का विवाह कम उम्र में ही करते हैं ताकि वह अपने ससुराल चली जाए और वह सुरक्षित रह सके। रात्रिकालीन विवाह परंपरा भी कुछ इसी तरह से शुरू हुई। बाल विवाह और रात्रिकाल में विवाह की दोनों जो स्थितियां बनी कमोबेश असुरक्षा को लेकर की गई। सवाल यह उठता है कि आखिर बाल विवाह को कैसे रोका जाए। हमारे भारतीय संविधान में बाल विवाह को रोकने की व्यवस्था की गई है। जो लोग बाल विवाह में सम्मिलित होते हैं उनके खिलाफ कानून कार्रवाई करता है। बाल विवाह अपने साथ कई अन्य समस्याओं को लेकर खड़ गया, जैसे विभिन्न प्रकार की बीमारियों को भी साथ लेकर गया। कम उम्र में बच्चों को यह पता नहीं होता कि एड्स जैसी भयंकर बीमारी से मनुष्य का बचना कितना जरूरी है, और एड्स जैसे भयंकर बीमारी का बचाव ही है कि व्यक्ति पहले से सावधान रहे, सतर्क रहे। इसी प्रकार से जब कम उम्र में विवाह हो जाता है तो बेटियां हों या बेटे हों उनकी पढ़ाई लिखाई बाधित हो जाती है, अर्थात उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। इसलिए आवश्यक है कि बाल विवाह को हम सब को मिलकर रोकना चाहिए। हालांकि जो समाज पढ़ा लिखा है या जिनके बच्चे पढ़े लिखे हैं वे कम उम्र में शादी करना मुनासिब नहीं समझते। भारत में कानूनी रूप से बेटे को 18 साल और बेटे को 21 साल होनी चाहिए। इससे कम उम्र है तो वह अपराध है। जो पढ़ा लिखा समाज है वे इन बातों को बखूबी समझता है और उनके यहाँ विवाह सामान्यतया इससे अधिक उम्र में संपन्न होता है। बाल विवाह से कई समस्याएं आती हैं। विभिन्न प्रकार की बीमारियों की चपेट में बच्चे आ जाते हैं और आबादी भी तेज होती है। माताओं बहनों बेटियों और शिशुओं की मृत्यु दर भी बढ़ जाती है। हम समझ सकते हैं कि समाज
आपको स्वच्छ गति प्रदान करने के लिए, तीव्र गति प्रदान करने के लिए, स्वच्छ गति तरीके से आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है कि बाल विवाह कुछ ऐसी परंपराएं भी हैं जिनकी वजह से बाल विवाह को प्रोत्साहन मिलता है। जैसे राजस्थान में अक्षय तृतीया के दिन बड़े पैमाने पर बाल विवाह होते हैं। बाल विवाह का एक प्रमुख कारण यह भी है कि बेटियों की संख्या का कम होना। राजस्थान हरियाणा जैसे विभिन्न प्रांतों में जो बेटियों की संख्या है वो बेटों की संख्या से कम होती जा रही है। यह भी देखा जाता है कि बाल विवाह में एक जो सबसे बड़ी विसंगत सामने आ रही है कि बेटी की उम्र जो काफ़ी कम है, वहीं जो वर पक्ष है या जो वर है उसकी उम्र बहुत ज़्यादा है, अर्थात बेटी की उम्र से लगभग दो गुना तक। ऐसी स्थिति में विषमता का व्याप्त होना स्वाभाविक। तब समाज के चाहिए कम से और बखूबी निर्माण करें और बाल विवाह को रोक करके भी अपने भारत का स्थान विकास या हम इसे विकसित कर सकती हैं।